एक क्वेश्चन देखने के बाद ही बहुत बड़ा लगता है। तो देखो बच्चों क्या है, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए। बहुत इजी सा लाना है कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। मगर इसको स्टेप्स तो बहुत टिपिकल टिपिकल आएंगे। देखो बच्चों कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए, इजी सा सवाल है, डोंट वरी अबाउट दैट। साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। तो मेरे को राइट हैंड साइड में खाली साइन कॉस चाहिए, तो मैं इनको साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या आएगा देखो, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, टैन को कन्वर्ट कर दिया बच्चों, डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। तो इधर पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 1 बाय 1 होता है, 1 बाय 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा बच्चों। तो न्यूमरेटर में नीचे क्या हो जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए, ओके। प्लस साइन ए एज इट इज बचेगा, डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हो जाएगा, तो 1 के साथ हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए। साइन से 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन ए 1 था साइन ए, 1 इंटू कॉस ए तो कॉस ए बचेगा। और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चों, इधर पे भी हो गया कॉस ए 1 था कॉस ए, तो इधर पे कॉस ए आया, साइन ए 1 था साइन ए, तो इधर पे साइन ए आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये इसका पैर ऊपर सर नीचे बोले तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो कॉस ए कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा, नीचे बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, तो ठीक है बच्चों। अब देखो अगर आप अच्छे से डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करोगे तो आपको टर्म्स तो सेम दिखेंगे मगर थोड़े उल्टे पुल्टे दिखेंगे। इधर पे कॉस ए माइनस साइन ए है तो इधर पे साइन ए माइनस कॉस ए है, तो मैं इनको इन दोनों को शफल आउट करूंगा। शफल अगर हम करेंगे तो माइनस साइन बाहर आता है, होप सो आपको बेसिक पता होगा, तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन कॉस ए माइनस साइन ए कितना हो जाएगा, इधर पे प्लस के जगह क्या आएगा, माइनस ए, क्योंकि ये दो टर्म मैं शफल कर रहा हूँ। साइन स्क्वेयर ए बेस सेम करना है बच्चों, तो नीचे क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। अगर बेस सेम होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, ठीक है बच्चों। तो देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आइडेंटिटी है, पता होगी आपको, आपने अगर वीडियो लगातार देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बच्चों मेरा तो आंसर लगभग आ गया, क्या है आंसर, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट को ब्रैकेट चला गया, मेरा बच गया क्या, कॉस ए प्लस साइन ए बच गया। राइट हैंड साइड में भी वही दिख रहा है, अगर आप इधर पे लिखोगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना आता है, कॉस ए प्लस साइन ए। लेक्चर लास्ट तक देखो बच्चों, कुछ बातें सिखानी है आपको। एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हेंस प्रूव्ड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या लाया, कॉस ए प्लस साइन ए। अब बताता हूँ बच्चों, अगर आप कुछ बातें शफल आउट करते हो तो माइनस साइन कैसा बाहर आता है, तो देखो ए माइनस बी ऐसा अगर होगा और आपको इसको शफल करना है कि सर बी को आगे लो, तो मैं बी को आगे लूंगा ए को पीछे लूंगा, मगर ये बी को अगर मैं आगे लूंगा तो बी इधर पे है माइनस, इधर पे तो है प्लस, तो मैं क्या कर दूंगा, साइन उल्टे कर दूंगा, बी माइनस है ए प्लस है, तो इधर पे क्या हो गया, बी प्लस हो गया ए माइनस हो गया, इसलिए मैं साइन
माइनस साइन बाहर निकालूंगा। तो देखो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस ए, मतलब ये एज इट इज ए माइनस बी हो गया। ठीक है, मतलब क्या, आपको अगर कुछ टर्म्स शफल आउट करना होगे, शफल करने होगे, तो उसमें क्या होता है, माइनस बाहर आता है। तो बच्चों इधर पे भी वैसा ही है, साइन को पीछे ढकलना है, कॉस को आगे लाना है, तो माइनस बाहर आएगा, बाहर आएगा, इधर है प्लस, तो इधर पे हो गया माइनस। आपको समझा होगा, थैंक यू वेरी मच।